अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किचन के लिए कुछ DIY। और किचन में कुछ मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए थे और उसके साथ साथ मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी जेम वाली बॉटल्स और ये सारी ही एक जितनी होती हैं, एक ही साइज़ में होती हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और उनको फेंकने के लिए भी दिल नहीं करता। इसलिए मैंने ये इस तरह की 5-6 बॉटल्स जो है तो वो जमा कर ली थी और उनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और इनके ऊपर वाला स्टिकर मैंने निकाला नहीं था, वो रह नहीं दिया था क्योंकि मुझे इस तरह से ये सही लग रही थी। और उसके बाद ये वाला मैंने पेंट का स्प्रे ले लिया था और इसके ऊपर इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हुई है कि आप किस किस चीज़ पर इसको पेंट कर सकते हैं। और ये काफ़ी सस्ता सा मिल जाता है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। शायद ये 150 रुपीज़ का मिलता है या 200 रुपीज़ का मिलता है। तो ये वाला मैंने स्प्रे लिया था और उनके जो बॉटल्स के जो कैप थे तो उन पर स्प्रे कर लिया था। और इस वाले स्प्रे में ना काफ़ी ज़्यादा होती है, पेंट होता है, जल्दी ख़त्म भी नहीं होता, काफ़ी बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसमें से ना कुछ और भी चीज़ें DIY कर ली थी, जिस तरह से मेरे पास ये शीशा पड़ा हुआ था मिरर, तो ये काफ़ी पुराना हो गया था, इसका कलर वगैरह ख़राब हो गया था। और ये एक टिश्यू बॉक्स था तो ये भी काफ़ी साल पुराना था, तो मैंने सोचा क्योंकि इसके ऊपर भी गोल्डन कलर किया हुआ था पहले, तो इसके ऊपर दोबारा से मैंने ये वाला पेंट कर लिया। और शीशे के ऊपर मैंने ये वाला थोड़ा सा पेपर कटिंग करके रख दिया था जिससे इसके शीशे के ऊपर जो है तो वो कलर ना लगे। तो इस तरह का पेंट जो है ना तो वो आप ऑनलाइन भी दराज से मंगवा सकते हैं, दराज पर भी अवेलेबल है, पर अगर आप बाज़ार से मंगवाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसकी DC चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर मैंने टिश्यू बॉक्स को और इस सारे फ्रेम को कलर कर दिया था। तो दराज पर अगर आप ये ऑर्डर करके मंगवाएंगे तो जितने का ये पेंट होता है तो उतने ही आपको DC चार्ज, जैसे 200 का अगर ये पेंट है तो आपको 200 रुपीज़ इसकी DC चार्ज पड़ेंगे। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप जो है तो किसी लोकल मार्केट से इसको मंगवा लें। और उसके बाद जब ये वाला पेंट सूख गया था, ड्राई हो गया था, तो ये जो बॉटल थी तो इसमें मैंने अपने हिसाब से थोड़े बहुत मसाले डाल दिए थे और इनको बंद कर दिया था कवर के साथ। और उसके बाद ये वाले जो बास्केट देख रहे हैं आप, तो ये भी मैंने एक लोकल मार्केट से ली थी और शायद मुझे ये 100 रुपीज़ की मिल गई थी, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इस तरह से इनको मैंने सारे जो है तो वो कवर बंद कर दिए थे और इससे ये सारी जो 6 बॉटल्स थी तो वो सारी एक साथ ही इस बास्केट में जो है तो वो परफेक्टली आ गई थी। कुछ फेरी लाइट्स ले ली थी और ये भी मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, मैंने बहुत ज़्यादा पहले ली थी, मैंने मिलाद किया था अपने घर में तो उस टाइम मैंने ये वाली ली थी और शायद एक बार मैंने यूज़ भी की थी, तो फिर उसके बाद मैंने इनको वापस से पैक करके रख दिया था। और ये वाली बेल जो है ना पत्तों वाली, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी टाइम मैंने पहले ली थी, शायद इसको 1-1.5 साल हो गया है, तो ये भी मेरे पास पड़ी हुई थी, ये मैंने न्यू नहीं ली। और ये भी बहुत सस्ती सी मिल गई थी, ये वाले जो फेरी लाइट है तो ये भी शायद 150 रुपीज़ की थी। और ये वाली जो बेल है ना पत्तों वाली, तो ये भी जो है तो वो 150 रुपीज़ की जो है तो वो मैंने लोकल मार्केट से ली थी। और इसको मैंने लगा लिया था यहाँ पर टेप के साथ, जो ये वाली होती है टेप सिंपल्स, तो उसके साथ मैंने इसको लगा लिया था। और जहाँ पर मैं आपको किचन की पहले वाली लुक दिखा रही थी कि इस तरह से दिखता है, और किचन के लिए मुझे DIY करना और इस तरह से बाहर ना मुझे क्रॉकरी वगैरह थोड़ी सी, और उसके अलावा जो मसाला बॉक्सेस वगैरह होते हैं, अच्छे अच्छे से रैक्स वगैरह जो होते हैं जो मिलते हैं, तो उसके ऊपर बॉटल्स वगैरह रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर मैं इतने ज़्यादा रख नहीं सकती क्योंकि मेरा जो किचन है ना तो वो बिल्कुल शहर आंगन के जो ना है तो बिल्कुल सामने है और ग्रिल लगी हुई है, तो डायरेक्ट हवा वगैरह जो है ना चलती है तो बाहर से मिट्टी डस्ट बहुत ज़्यादा आती है और मक्खियाँ भी आ जाती हैं बार बार, तो ना मुझे मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होता है ना, फिर डस्ट वगैरह बार बार आ जाती है सारा दिन, तो इस तरह की कुछ चीज़ें या डेकोरेटिव पीसेस रखना ना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें रख ली थी और ये पहले मैंने रूम में टेबल पर रखा हुआ था, पर शीशे का है शोपीस तो इसलिए मेरी बेटी छोटी वाली उठा लेती है, दोनों जो छोटी वाली बेबीज़ हैं, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें बाहर रख दी हैं, जहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें रख ली थी।
और उसके बाद जहाँ पर मैंने ये वाली बेल ले ली थी और एलईडी लाइट्स वगैरह जो आपको मैंने दिखाई, तो वो यहाँ पर इस वाली बेल को मैंने सुलझा लिया था क्योंकि थोड़ी सी अकड़ गई थी, काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी। और जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, तो हमारे यहाँ मिट्टी और डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। जब भी हवा चलती है ना थोड़ी सी भी, तो ना बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है बाहर से। तो इसलिए मेरे लिए ना किचन में इस तरह की चीज़ें, सजावट वाली या डेकोरेटिव आइटम्स रखना बहुत मुश्किल है। तो उन पर डेली डस्ट आ जाती है, तो मैं उनको डेली वॉश नहीं कर सकती, या उनको जो है तो वो उनकी प्रॉपर सफाई करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती, थोड़े से फ्लावर्स वगैरह रख लेती हूँ जो वॉशेबल होते हैं, या साफ़ करने में जो चीज़ें मुझे आसान लगती है ना, या जो चीज़ें बार बार वॉश की जा सकती हैं, तो उस हिसाब से ना मैं थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर रख लेती हूँ। तो ये बेल जो है तो वो बहुत ही आसानी से लग गई थी, मैंने पहले सारी टेप वगैरह यहाँ पर कटिंग करके रख ली थी और उसके बाद लगा ली थी। थोड़ी सी पत्तियाँ इसकी अकड़ी हुई थी, तो वो मैंने बाद में उनको सीधा कर लिया था, थोड़ा सा हाथ के साथ इनको प्रेस करके पत्तियों को ना सीधा कर लिया था, जो इस तरह से ना अकड़ी हुई थी ना, तो बाद में फिर वो सही हो गई थी। और जो फेरी लाइट थी ना, तो उसको भी मैंने इसी तरह से टेप के साथ लगा लिया था। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, ये वाला पौधा जो है मेरा ना, तो ये मुझे अच्छा लगता है, मैं यहाँ पर रख देती हूँ किचन में। तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वैसे डस्ट आ जाती है 2-3 दिन के बाद, पर इसको मैं वॉश कर देती हूँ क्योंकि ये वॉशेबल वॉश हो सकता है ना, तो मेरे लिए इसको वॉश करना आसान होता है। और फेरी लाइट जहाँ पर मैंने थोड़ी सी ही लगाई थी, और बेटी मेरी कह रही थी कि ना एक और भी है हमारे पास मल्टी कलर वाली, तो आप यहाँ पर वो लगा लें, पर मैंने बस फिर दूसरी नहीं लगाई, बस मैंने एक ही लगाई थी यहाँ पर। तो बस अच्छी लग रही थी, सिंपल सी, इतनी ज़्यादा भी नहीं हो गई थी, और बस सिंपल सी अच्छी लग रही थी। और जहाँ पर माइक्रोवेव के ऊपर मैंने थोड़े से ये कप वगैरह रखे होते हैं चाय के, और बच्चों के ये थोड़े छोटे वाले जो बाउल वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ। मेरे लिए यहाँ से उठाना ईजी रहता है क्योंकि ये बार बार वॉश होने वाली और बार बार यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर दिन के टाइम पर इस तरह की कुछ किचन की लुक आ रही थी, और जो रात के टाइम पर भी जो किचन की लुक आ रही थी, तो वो भी अभी आप देखेंगे। और बस इतनी ही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। Say